नमस्कार। आज के सजीव प्रसारण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वह टॉपिक है प्लांट प्रोटेक्शन इन वेजिटेबल क्रॉप्स, यानी सब्जियों में पौध संरक्षण। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर मयंक कुमार राय, प्रोफेसर इन हेड कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और लर्नर्स, आप सभी जानते हैं कि भारत सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान पर आता है, और इसके बावजूद हमारी जो 25 से 30% जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है वो कीट और बीमारियों के कारण ख़राब हो जाती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर मयंक से जानते हैं कि सर पौध संरक्षण क्यों ज़रूरी है सब्जियों में। धन्यवाद आज के विषय के लिए। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सब्जियों के पौध संरक्षण की आवश्यकता क्यों है इस पर जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो हमारे लर्नर्स को ये मतलब हम बताना चाहेंगे कि हमने इधर विगत 5 से 10 वर्ष पहले तक से सुनते आ रहे हैं कि सब्जियों में बहुत ज़्यादा जैविक कीटनाशियों का प्रयोग हो रहा है, रासायनिक दवाओं का प्रयोग हो रहा है। इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है लोगों में उसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को अच्छे क्वालिटी की सब्जी नहीं मिल रही है, अच्छा सब्जियों का उत्पादन नहीं हो रहा है, नए नए रोज कीड़े और बीमारियों का मतलब एक तरह से आगमन हो रहा है खेतों में, और किसान इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। खेती की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि सब्जियों में जो है रासायनिक दवाओं का ज़्यादा प्रयोग करने से उतना लाभ होता नहीं है जितना कि उनकी लागत में जो है बढ़ोतरी हो जा रही है। तो और जैविक नियंत्रण इसीलिए कहा जाता है कि हम जैविक नियंत्रण की आवश्यकता सब्जियों में है, खासकर सब्जियाँ। कोई ऐसा गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो चाहे कितने भी पैसे वाला हो, वो सब्जी बिना खाए उसकी उसका जीवन यापन होता नहीं है। तो इसलिए सब्जियों को जो है सुरक्षित उत्पादन करना अति आवश्यक है, यही सब विशेष कारण है। जी सर, और लर्नर्स ऐसा रिकमेंडेड है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 300 ग्राम वेजिटेबल्स का को लेना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 300 ग्राम आप वेजिटेबल्स लें। इसमें आप जो रूट वेजिटेबल्स है, लीफी वेजिटेबल्स है, सभी का समावेश होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सभी जानते हैं कि वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है, तो ये इसलिए बहुत ही आवश्यक है। और अब आज के समय में हम सभी बहुत जागरूक हैं अपनी सेहत को लेके, तो सभी वेजिटेबल्स को अपने आहार में ज़रूर शामिल करते हैं। इसको आप पका के खाएँ या सैलेड के रूप में खाएँ, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इसमें कीटनाशक डालेंगे, पेस्टिसाइड डालते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं सर साइड इफ़ेक्ट्स होता है। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि इसके जो रेसिड्यूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें रहते हैं सब्जियों में, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस बात का ध्यान दें कि कम से कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करें सब्जियों में। और सर इसमें आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, सब्जियों में जैसे जैसे हमने कहा, आपने कहा 300 ग्राम सब्जियों के खाने की आवश्यकता होती है, ये स्टैंडर्ड है और डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंडेड भी है। और लोग ज़्यादातर उसमें जो है हमारे यहाँ जो प्रचलन है ज़्यादातर मतलब उसमें मतलब जो जड़ वाली जो सब्जियाँ हैं उसका प्रयोग करते हैं, जबकि सब्जियों में भी ये समन्वित सब्जियों का उपभोग करने की आवश्यकता है। जैसे कि जो है लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए, उसमें जड़ वाली सब्जियाँ होनी चाहिए, तने वाली सब्जियाँ होनी चाहिए। तो इस तरह की जो है सब्जियों का अगर हम सब्जियों में भी अगर हम विभिन्न विभिन्न तरह की सब्जियों को खाएँ, उपयोग करें, और उसको जो है बदल बदल करके जो है उत्पादन करें और उसको सुरक्षित उत्पादन करें, तो मुझे लगता है कि जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि भाई आपको इस तरह की सब्जियां खानी चाहिए, आपको इतने मिनरल्स विटामिन्स होने चाहिए, एसिड्स होने चाहिए, ये सब करीब करीब सारी सब्जियों में ज़्यादातर मिलता है। तो इसलिए जो है सब्जी उपभोग करना और अच्छी सब्जी का उपभोग करना, क्वालिटी वाले सब्जी का उपभोग करना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न कि ज़्यादा क्वान्टिटी में सब्जी खाना, अच्छी क्वालिटी का सब्जी खाना और मतलब बदल करके सब्जी खाना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी सर, और जब हम पौध संरक्षण की बात करते हैं तो बहुत सारे जो डिजीजेज हैं और इंसेक्ट पेस्ट हैं वो सब्जियों पर अटैक करते हैं। जी जी। तो जिसके कारण विभिन्न तरह के नुकसान होते हैं, तो सर इसके बारे में आप लर्नर्स को और बताइए कि कितना ज़्यादा नुकसान होता है और कैसे किस टाइप के पेस्टिसाइड हमारे जो किसान इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण की रेसिड्यू इफेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए ऐसा है कि जब भी हम जो भी रिसर्च के करने के बाद जो भी पेस्टिसाइड को रिकमेंड किया गया है पर्टिकुलर सब्जियों के लिए, उसमें क्या होता है कि किसान गलती करते हैं या जो भी उत्पादन किसान जो जिनको जिनको ज्ञान उतना नहीं हो पाता है, वो क्या करते हैं कि एक ही तरह की रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं,
और क्वालिटी वाली पेस्टिसाइड, क्वालिटी वाला इंसेक्टिसाइड उनको मिलता नहीं है, तो उस केस में वो क्या करते हैं कि उसका चूंकि असर उसका उतना नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं कि कई बार उसका स्प्रे करते हैं। और कभी कभी तो देखने में आता है कि कभी कभी तो ये देखने में आ रहा है कि दो दो तीन तीन दिन पर जो है दूसरे हर दूसरे या तीसरे दिन पर रासायनिक दवाओं का प्रयोग वो करते हैं। और इसलिए होता है कि एक तो क्वालिटी जो रिसर्च के बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस जो पेस्टिसाइड वगैरह निकाले हुए हैं उसको जो है वो रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं दे, जैसे जो वैज्ञानिकों ने बताया उसके हिसाब से यूज नहीं करते हैं, प्लस ज़्यादा संख्या में ज़्यादा बार यूज करते हैं, रासायनिक दवाओं को बदलते नहीं हैं। इसीलिए ऑप्शन यह आया है कि इसका हम समन्वित कीट नियंत्रण अगर करें, समन्वित अगर रोग और बीमारियों का प्रबंधन करें और जैविक चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रयोग करें तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, न कि सिर्फ और सिर्फ रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने से। तो इस तरीके से जो है हमें चेंज करना होगा अपनी प्रैक्टिस। और जब हम आगे लेक्चर जो हम आगे बात करने वाले हैं उसमें हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। और रासायनिक दवाओं से जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो जो है ज़्यादा डेंजरस है। रासायनिक दवाओं के प्रति जो है सहनशीलता कीड़ों में बढ़ जा रही है, पौधा भी उस तरह का रिस्पांस नहीं देता है, और जो वातावरण है बदल रहा है तो उस वजह से जो है काफ़ी जो है उसको एक तरह से कह सकते हैं कि नॉकडाउन पेस्ट ओवर जो है, मतलब एक तरह से वो प्रॉब्लम दूसरे तरह की आ रही है। इसलिए जो है मुझे लगता है कि रासायनिक दवाओं का नियंत्रण, रासायनिक दवाओं का प्रयोग उतना नहीं करना चाहिए जितना कि किसान कर। और विगत 5 से 10 साल में इतना अवेयरनेस बढ़ी है कि हमारे देश में रासायनिक दवाओं का प्रयोग कम हुआ है। इधर 5 सालों में अगर हम डाटा आगे देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। जी सर, और सब्जियां जैसे कि हमने बताया कि इसे सीधे कई बार एज अ सैलड भी इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि कम से कम उसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालें। देखिए उसमें होता क्या है ना कि ओवर यूज़ हम करते हैं पेस्टिसाइड का, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ का मतलब कि जो हमारी क्वांटिटी जो है रिक्वायर्ड है पेस्टिसाइड के लिए वो हम यूज़ नहीं करते हैं उतना, उसका एक तरह से हम मिसयूज़ करते हैं। और इवन जो है पेस्टिसाइड्स मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हम प्रयोग करने लगते हैं, तो ये जो है उसमें जो है रेजिस्टेंस डेवलप होता है। जब हम कंट्रोल करते हैं तो उसको जो है हम सफल नहीं हो पाते हैं। कंट्रोल में भी जो है हम जो जिस पेस्ट को हम टारगेट करके जो है पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो जो है मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो है कंट्रोल हो नहीं पाता है उससे। और इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट पे जो है हमारे काफ़ी असर पड़ता है, इन्वायरमेंट पे भी काफ़ी असर पड़ता है, और इकोलॉजिकल इम्बेलेंसेज होते हैं। जैसे आप पूरे देश में दुनिया में देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से जो है नुकसान हो रहा है। तो ये इनडिस्क्रिमिनेट यूज जो होता है, जो हम अनियंत्रित तरीके से जो पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं वो मतलब होना, इसके लिए प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए और इफ़िकेसी का भी उसका लॉस होता है। पेस्ट मैनेजमेंट जो है का जो कास्ट है वो बढ़ जाती है काफ़ी, मतलब पैसे में हमारा लागत बढ़ जाती है। महंगे पेस्टिसाइड आ गए हैं तो उसको जो है हम काफ़ी पैसे के रूप में खर्च करते हैं, तो वो जो है मतलब अगर जितनी आपको आमदनी नहीं हो रही है उससे ज़्यादा आपका जो है उसमें लागत हो जा रही है। तो ये जो है, और जो हमारे लाभदायक जीव हैं उनको भी जो है अगर हम अनियंत्रित तरीके से अगर पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो उनका भी नुकसान होता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो है काफ़ी मतलब एक तरह से हानिकारक पेस्टिसाइड के कंजम्पशन से, ज़्यादा पेस्टिसाइड कंजम्पशन से हानिकारक जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है। जी सर, आपने बहुत अच्छे से बताया सर कि बहुत ज़्यादा ओवर डोज हम इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल्स में, जिसके कारण कि रेजिड्यू इफेक्ट्स आता है और पेस्टिसाइड के कारण हमारे सब्जियों में नुकसान होता है, और फिर हम जब उनको कंज्यूम करते हैं तो हमारी सेहत भी ख़राब होती है। तो सर कितना पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं इन जनरल भारतवर्ष में करीब करीब तो सर 40,000 टन जो है पेस्टिसाइड यूज भी हो रहा है, और करीब करीब मुझे ये लगता है कि अभी विगत 5 सालों में 1/3 जो है एक तरह से कम हुआ है पेस्टिसाइड का। जो अवेयरनेस वैज्ञानिकों द्वारा और आम आदमियों में जो एक अवेयरनेस हुआ है कि नहीं भाई पेस्टिसाइड से ये नुकसान हो सकता है, और सरकारों ने भी काफ़ी इसमें जो है प्रचार प्रसार किया है, और हर लेवल पर जब हम बताया गया है कि जो है नहीं अखबारों के माध्यम से, आपके चैनल, आपके जो है स्टूडेंट्स के माध्यम से, जो आज NIOS के स्टूडेंट्स इस तरह के जो प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं इसमें बताया गया कि भाई नहीं इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, तो 1/3 जो है पेस्टिसाइड का कंजम्पशन हमारे देश में घटा है, जबकि वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड पेस्टिसाइड का कंजम्पशन काफ़ी बड़ा है। इवन वियतनाम वगैरह में तो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है पेस्टिसाइड का, तो हमारे देश में पेस्टिसाइड का कंजम्पशन कम हुआ है। और जो है 60% जो है टोटल से पेस्टिसाइड जो होता है
जो जो हम अगर पेस्टिसाइड जितना यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ कीड़ों को मारने के लिए 60% पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, बीमारियों को रोकने में चाहे खरपतवारों को रोकने के लिए जो है उतना पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं जितना कि जो है हम इंसेक्टिसाइड कीड़ों के मारने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो है काफ़ी जो है मतलब और पूरे मतलब 13 से लेकर 14% टोटल पेस्टिसाइड होता है जो सब्जियों में यूज होता है, मतलब 13-15% के करीब जो है पेस्टिसाइड यूज होता है वो सिर्फ सब्जियों में, सब्जियों के कीट नियंत्रण के लिए यूज होता है। और बाकी जो है सबसे ज़्यादा अगर हम प्रयोग करते हैं तो कपास में जो काटन में यूज करते हैं, जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका ऐसे प्रदेशों में काटन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से जो है हम काफ़ी मतलब एक तरह से वो कह सकते हैं कि जो है पेस्टिसाइड का कंजम्पशन सब्जियों में कम हुआ है, सब्जियों में अवेयरनेस की वजह से मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो है वो हुआ है। ग्लोबल एग्रोकेमिकल्स कंजम्पशन जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो है काफ़ी मतलब बढ़ा है वो भी, जबकि हमारे कंट्री में वो कम हुआ है। अगर हम बात करते हैं इसकी कि किस कीड़े के खिलाफ कौन कौन सा जो है एक तरह से रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, तो बहुत सारी रासायनिक दवाओं के लिए जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, जो कि उन दवाओं उस अगर दवाओं का हम छिड़काव करते हैं तो वो कीड़ा उसका रिस्पांस नहीं करता है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कैबेज है हमारा, जो जिसको हम बोलते हैं कि फूल गोभी बोलते हैं, तो उस फूल गोभी में कम से कम हमको लगता है कि 30 से 35 तरह के जो रासायनिक दवाएं हैं उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। वो रासायनिक दवाएं डायमंड बैक माथ एक कीड़ा होता है, हीरक पतंगा जिसको बोलते हैं, उसके प्रति जो है वो कारगर नहीं रह गया है। इसीलिए जैविक नियंत्रण के क्षेत्र में हम उसको उस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं। टमाटर में टोमेटो फ्रूट बोरा लगता है और वाइट फ्लाई जो अभी आपने बहुत बड़े पैमाने पर देखा पंजाब वगैरह में जो है काफ़ी इसका अटैक रहा, और ब्रिंजल में जो है बैगन में फ्रूट एंड सूट बोरर जो लगता है उसके प्रति भी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, और भिंडी में जैसिड लगता है, येलो माइट है चिली में लगता है वो मिर्च में, तो उसका जो है एक तरह से जो है काफ़ी उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। बीटर गार्ड में हो गया है, रेड स्पाइडर माइट के प्रति हो गया है, ब्रिंजल में जो माहू लगता है उसके प्रति हो चुका है, रेड स्पाइडर माइट लगता है। तो ये सर इतने सारे इंसेक्टिसाइड्स का जो प्रभाव और इसका जो असर है वो इन कीड़ों के प्रति ख़त्म हो चुका है एक तरह से कह सकते हैं। इसीलिए जैविक नियंत्रण के लिए हम इन चीज़ों का, जैविक नियंत्रण की विधियों का जनरली हम प्रयोग करते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो है इनके पार्ट पर मिलियन में जो है किस तरीके से इसका असर हो रहा है और वो कितना असर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है रासायनिक दवाओं का, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी सर, लर्नर सर ने हमें बहुत डिटेल में बताया कि भारतवर्ष में लगभग 40,000 टन पेस्टिसाइड्स का कंजप्शन होता है, और अगर हम विगत 5 वर्षों की बात करें तो अब हम धीरे धीरे जैविक नियंत्रण की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा पेस्टिसाइड कंजप्शन 5 वर्षों की अपेक्षा 1/3 हो गया है। और जब हम बात करते हैं कि इंसेक्ट पेस्ट किसके लिए, डिजीज़ के लिए, किसके लिए पेस्टिसाइड ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो लगभग 60% जो हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं वो अगेंस्ट इंसेक्ट एंड पेस्ट करते हैं। और हम ओवरऑल अगर हम पूरे क्रॉप की बात करें तो लगभग 13 से 14% जो हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं वो हम वेजिटेबल्स के लिए करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सर ने पेस्टिसाइड सिनेरियो हमें बताया, और इसके बाद सर ने हमें बताया कि किन किन जो इंसेक्ट के प्रति हमारे जो क्रॉप्स हैं वो रेसिस्टेंट डेवलप कर ले। अच्छा, एक चीज़ और आप स्लाइड में देख सकते हैं जी कि जो हमने सैंपल पूरे प्रदेशों में, जो भारत के जितने प्रदेश हैं उसमें हमने जो कलेक्ट कराए, डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की तरफ से कलेक्ट किए गए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कलेक्ट किए गए, उसमें केरला जैसे स्टेट में जो है जो भी सैंपल कलेक्ट किए गए उसमें करीब करीब 100% जो है कंटेमिनेटेड मिला वेजिटेबल का, खासकर जो है मतलब वो, और प्रदेश स्टेट वाइज जो है कंटामिनेशन का परसेंटेज आप देख सकते हैं, और जो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट है जिसको कि हम रेजिड्यू लिमिट से काफ़ी ऊपर जो है मतलब एक तरह से उसकी लिमिट पाई गई, तो ये सब्जियों में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है करीब करीब कहीं कहीं प्रयोग किया कहीं पर जो है, तो ये जहाँ सब्जियाँ बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग की जाती हैं वहाँ पर कीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, उत्पादन होता है तो वहाँ कीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनको जो है कंट्रोल करने के लिए जो है आपको जैविक नियंत्रण जो है अपनाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि 100% तक कंटामिनेशन जो है सैंपल्स में मिला। इसके साथ साथ जो है जो रेजिड्यू लिमिट है वो आप उसके हिसाब से जो है बैग, जैसे ब्रिंजल में 87 सैंपल्स हमने अगर लिया तो 62 में एक तरह से जो है उसमें
मतलब रिसर्च जो में आया कि 62 सैंपल उसमें कंटेमिनेटेड मिल गए। कैबेज में जैसे फूल गोभी में 73 सैंपल लिया गया जिसमें 66 जो है उसमें मतलब एक तरह से आपको सैंपल कंटेमिनेटेड मिले। पत्ते गोभी में, फूल गोभी में जो है 89 लिया गया उसमें 72 मिले। इस तरीके से बहुत सारा जो है मुझे लगता है कि मतलब कंटेमिनेशन हो रहा है। साथ साथ जो है यील्ड लॉस कितना होता है, इसकी वजह से नुकसान भी बहुत सारा होता है। और अगर प्रति मतलब फसल के हिसाब से अगर देखेंगे तो टमाटर में 24 से 65% तक जो है कीड़ों की वजह से नुकसान हो जाता है। और सिर्फ एक कीड़ा जो होता है टमाटर का जो एक तरह से उसके फल को खाता है वो 24 से 65% तक सिर्फ अकेला कीड़ा नुकसान कर देता है। ये साइड इफ़ेक्ट है सब इंसेक्टिसाइड का, चूँकि उसके प्रति जो है सहनशीलता उस कीड़े में डेवलप हो चुकी है। और बैगन में है फ्रूट एंड बूट बोरर जो सूट और जिसे उसको जो है एक तरह से उसको फल रोह को काटता है और फली को काटता है 11 से 93% तक वो नुकसान पहुंचाता है। चिल्ली में भी थ्रिप्स लगता है, माइट्स लगता है, उसमें भी 12 से 90% और 24-34% तक है ओकरा में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक दवाओं के प्रति सहनशीलता कीड़ों ने जो डेवलप कर रखा है उसकी वजह से 90% तक जो है ये कीड़े नुकसान पहुँचाते हैं। और रासायनिक दवा चाहे आप जितनी प्रयोग करते रहें उसमें कोई जो है मतलब फ़र्क उनके ऊपर नहीं पड़ता है। और जो इनका जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिसे पहले कीड़ा जैसे आप कह सकते हैं कि एक लीफ माइनर कीड़ा लगता है टमाटर में, तो पहले वो लगता था सिर्फ टमाटर में, लेकिन बाद में क्या हो गया कि वो कीड़े का जो कीड़ा जो है बदल गया, मतलब काफ़ी जगह फैल गया वो। और वही कीड़ा जो लीफ माइनर कीड़ा जो टमाटर में लगता था वो ब्रिंजल में लगने लगा, काउपी में लगने लगा, फ्रेंच बीन में, स्क्वैश में, लीफी वेजिटेबल्स में बहुत जगह लगने लगा, कुकर बीट्स में लगने लगा। इस तरीके से जितने कीड़े हैं इन्होंने जो पहले स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर जो है क्रॉप पे लगते थे उनका जो है एक तरह से होश बदल गया। बहुत सारे फसलों पे वो, बहुत सारे सब्जियों की फसलों पे उन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो है काफ़ी मतलब साइड इफ़ेक्ट रासायनिक दवाओं के हुए। तो जब भी हम IPM की बात करते हैं उसमें IPM की बात में हम सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई आप जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसको हमें अपनाना चाहिए, उसके बाद जैविक विधियों को अपनाना चाहिए। और जैविक विधियाँ अगर इन दोनों प्रैक्टिस से अगर हम कंट्रोल ना कर पाते हों किसी कीड़े को या किसी बीमारी को, तब जाकर के हमें अल्टीमेट अगर कोई सोल्यूशन न मिले तब जाकर के हमें पेस्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अभी जिसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है बनारस है या बहुत सारे जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च है आपका बेंगलोर में, इस तरह के जो संस्थान हैं इसमें मतलब सब्जियों पर भी बहुत सारे जगह रिसर्च जहाँ जहाँ हो रहे हैं देश के संस्थानों में, वहाँ पे जो है कीड़ों के प्रति बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाली जो प्रजातियाँ भी बहुत सारी आ गई हैं। और मैं किसानों से हमारे जो भी लर्नर्स हैं उनको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इतना ज़रूर कंफर्म करिए कि एक तो पुरानी वैरायटी को न लगाइए, सब्जियों की वैरायटी किसी भी पुरानी वैरायटी को न लगाइए, लेटेस्ट अगर 5 साल की वैरायटी हो उसको आप लगाना चाहिए, आपको लगाइए। और वहाँ के निदेशक को लिखिए चिट्ठी कि हमको इतने बीज की आवश्यकता है, हमको इस समय बोलना है। तो इस तरीके से जो है आप अपना ला करके जो है अच्छे बीज की, अच्छा बीज जो है जो रेजिस्टेंस वैज्ञानिकों द्वारा जो डेवलप कर, मतलब जो अच्छी वैरायटी डेवलप की गई है जो रोग के प्रति कीड़े के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता रखती है, उसका आपको प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। क्रॉप रोटेशन को जरूर आप अपनाइए, क्रॉप रोटेशन फसल चक्र जो है कहा जाता है, फसल चक्र अपनाइए, इंटरक्रॉपिंग करिए। जैसे जो है आप बीच में जो है जिसे मेन फसल आप ले रहे हैं, जिसे गोभी की फसल ले रहे हैं, जिसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, तो बीच में कहा जाता है कि सरसों ले लीजिए, चाहे कोरिएंडर जैसे धनिया वनिया के मतलब खेती कर लीजिए, तो जो मुख्य फसल है हमारी वो कीड़ों से बच जाती है और जो अल्टरनेट फसल है वो उस पर जो है कीड़े लग करके वो हट जाते हैं। ट्रैप क्रॉप का प्रयोग करना चाहिए। कोल्ड वेदर कल्टीवेशन में जो है हार्ट आवर कोल्ड वेटर दोनों आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो है आपको सूटेबल आपके एरिया के लिए है उसका आपको प्रयोग करना चाहिए। हेल्दी सीड का हमेशा प्रयोग करिए, जैसा कि हमने बोला कि हेल्दी से एडजस्टिंग प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग डेट्स। आप देखिए कि जब कीड़ा या बीमारी जिस समय बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो उसके थोड़ा सा पहले या उसके थोड़ा सा बाद, जैसे इस समय सर्दी में काफ़ी मतलब दिक्कत हो रही है, बरसात भी हो रही है, लेकिन गनीमत यह है कि धूप हो जा रही है, इस वजह से जो है कीड़े या बीमारियों का प्रकोप उस इंटेंसिटी में नहीं बढ़ेगा जितना कि मतलब अगर धूप नहीं होती तो यही हमारे लिए सीरियस हो जाता, खासकर सब्जियों की फसलों के लिए काफ़ी सीरियस हो जाता है। तो इस तरीके से जो है और हमेशा जो है जो रिकमेंडेड पेस्टिसाइड है अगर अति आवश्यक है तभी उसका प्रयोग करिए, नहीं तो आप जो है हम आगे बताएंगे कि जैविक नियंत्रण के क्या क्या जो विधियाँ हैं उसका आपको प्रयोग करनी चाहिए।
रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ करिए, नेचुरल एनिमीज जो लैब में होती हैं उनका जो है आपको लैब में प्रोडक्शन होता है, अलग अलग एजेंसी जो है उसको सेल कर रही हैं, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोकार्ड है, ट्राइकोडर्मा है, NPB है, इस तरह की चीज़ों का आपको प्रयोग करने की आवश्यकता है। लाइट ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए, फेरोमोन ट्रैप्स का प्रयोग करना चाहिए, ल्योर्स आते बहुत सारे हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, तब जा करके अगर इन सारी विधियों से अगर आप नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तब जा करके जो रिकमेंडेड पेस्टिसाइड्स हैं उसका प्रयोग करें और उसको बदल दिया करें। अगर दो और उसके हम आगे बताएंगे कि उसका रासायनिक दवाओं का वेटिंग पीरियड भी होता है, आपने आज दवा का छिड़काव किया तो उस उत्पाद को कितने दिन में आपको प्रयोग करना है, कितने दिन में उपका खाने के लिए उपभोग करना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी सर, सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने इसमें कि हेल्दी सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जी जी, तो सीड्स इन जनरल जो वेजिटेबल्स के होते हैं लोग उसको परचेज करते हैं, जी तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सही जगह से उसको परचेज करे और जो पैकेट है उसमें ज़रूर वो देखे कि इसकी डेट ऑफ पैकिंग क्या है और जर्मिनेशन परसेंटेज, वायबिलिटी, वो सब चीज़ें लिखी रहती है उसमें, तो उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। मैं सभी लर्नर्स जो भी हैं मैं उनको और हमारे जो किसान भाई हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जितने संस्थान हैं भारत के, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चाहे कृषि विश्वविद्यालयों से जो प्रजातियाँ निकाली गई हैं उनके सबके जो है सबकी सूचनाएं वेबसाइट पे उपलब्ध है, उनकी जो पर्टिकुलर वेबसाइट होती है उनकी, उसको आप जा करके चेक करिए उसको, और जो आपके क्षेत्र के लिए जो प्रजाति रिकमेंडेड है, जो जो आप मतलब नई वैरायटी आपके लिए दिया गया है उसी का आप प्रयोग करिए। बीज शोधन वगैरह करने के बाद ही उसका आप प्रयोग करिए, जितनी क्वांटिटी में कहा गया उतना ही आप प्रयोग करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सूचना आजकल उनके वेबसाइट्स पे उपलब्ध हो जाएगा और वो हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन उनके एक पूरे सिस्टम होता है उसमें अपडेट करते रहते हैं, तो आपको कोई बरगला नहीं सकता है और आप सारी सूचनाएं वहाँ से देख करके तब आप उसको वैरायटी को आप लीजिए। जी, और सर आपने बीज शोधन की बात की, तो बीज शोधन कैसे करेंगे उसके बारे में भी थोड़ा लर्नर्स को बताइएगा। और लर्नर्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीज शोधन यानी सीड ट्रीटमेंट बहुत ही आवश्यक है। ये कुछ इस तरह से है जैसे कि हम वैक्सीनेशन करते हैं, उस टाइप से है कि जैसे इंसानों में वैक्सीनेशन होता है ताकि आने वाली जो बीमारियाँ हैं उनसे बचाव हो सके, उस तरह से सीड ट्रीटमेंट भी किया जाता है वेजिटेबल्स में ताकि जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे बचाव किया जा सके। वैसे आप जहां तक आप अगर अच्छे संस्थान से अगर आपने बीज प्राप्त किया है जी, तो वो बीज वैसे शोधित होता है जी। लेकिन मैं किसानों को यह सलाह दूंगा कि चूंकि हमारे यहां दो तरह की समस्याएं आती हैं, एक तो कीड़े लगते हैं जो जमीन से होते हैं, जमीन में पहले से ही होते हैं, और प्लस जो हमारा बीज होता है उसमें भी कोई फंगस या किसी तरह का कोई मतलब उसमें उसका अवशेष रह जाता है, बीज शोधन के बाद भी हो सकता है लापरवाही से किया गया हो। तो आप अपने यहाँ एक रासायनिक किसी भी रासायनिक दवा से आप बीज शोधन कर सकते हैं। नहीं, अगर रासायनिक दवा से अगर नहीं करना चाहते, जो लोग जैविक विधियों में अगर गए हुए हैं उन लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करिए, अच्छी क्वालिटी का ट्राइकोडर्मा आता है उसका आप प्रयोग करके और आप बीज शोधन कर लीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और जिसे हम कल्चरल जो हमने कहा कि बहुत सारी जो विधियाँ उपलब्ध हैं उसमें से फसल चक्र को जरूर लीजिए, मतलब सेम फसल को, जैसे आप कहीं कहीं आप देखे होंगे कि जहाँ पे फूल गोभी की खेती हो रही है या पत्ते गोभी की खेती हो रही है वहाँ पे वही हो रहा है, जहाँ पे जिस खेत में बैगन की खेती कर रहे हैं उसमें बैगन की खेती सालों साल करते रहते हैं जी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ बताते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं कि उसको जैसे एक दो फसल आप बैगन की मतलब सब्जी की लीजिए, फिर एक बार दलहनी फसल की किसी चीज़ की खेती आप कर लीजिए या किसी तिलहनी फसल की खेती कर लीजिए, ट्रैप क्रॉप आप लगाइए, खेत को अच्छी तरीके से सफाई जरूरी है, लेकिन खेत में और फसल का जो अवशेष है उसको जलाना नहीं चाहिए, खेत की जुताई बढ़िया से करिए आप, लेकिन उसको जो है मतलब मल्चिंग करिए, उससे क्या होगा घर खरपतवार वगैरह हट जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा हम लोग कहते हैं कि उस खेत को जलाने की किसी भी कीमत पर ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उसमें जो भी हमारे लाभदायक जीव होते हैं वो उसके साथ मर जाते हैं जलाने के साथ साथ। प्लस टाइमिंग को थोड़ा चेंज कर दीजिए, जैसे आपको लगता है कि 25 दिसंबर के आसपास या 10 जनवरी के आसपास ये कीड़े और बीमारी जैसे आप खेती करते रहते हैं तो आपको अनुभव है ये बीमारी आपके क्षेत्र में या कीड़े ये आ जाते हैं, तो उसके पहले थोड़ा 15 दिन 20 दिन पहले आप बो दीजिए या 15 20 दिन बाद बो दीजिए, उससे क्या होगा आपको रेट भी अच्छा मिल जाएगा। अब हर व्यक्ति का हर किसान का सब्जी हर किसान की सब्जी मतलब ज़्यादातर एक साथ उत्पादन होने लगती है, उसमें क्या होता है कि मार्केट में रेट भी डाउन हो जाता है, तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आप टाइमिंग अगर चेंज करते हैं तो आपका उत्पाद पहले आ जाता है या बाद में आता है तो उसका रेट अच्छा मिलता है, प्लस आप मेन समस्याओं से कीड़े बीमारी से आप बच जाते हैं।
साफ सफाई करके आप काम करिए। प्रूनिंग अगर जैसे जो जो जैसे अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे जो सब्जियों की इस समय फसल है उसमें वायरस जो है आया हुआ है, बहुत सारे जगह पे वायरस जो है, जिसे गुर्चा एक तरह से कह सकते हैं, गुर्चा बीमारी किसान अपने भाषा में बोलते हैं। तो उसको क्या है कि अगर इस तरह के कोई वायरस अगर आपके खेत में है तो आप एक तो मुख्य जो बीमार ग्रस्त जो मतलब जो पौधा है उसको आप उखाड़ करके जो है गाड़ दीजिए कहीं मिट्टी में, और प्लस जो है ला करके एक इंसेक्टिसाइड का, किसी भी सेफर इंसेक्टिसाइड का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये जो है, और वो भी ध्यान ये रखने चाहिए कि अगर गुर्चे की दिक्कत है तो पत्तियों के निचले सिरे पर, निचले सतह पे जो है आप इसका छिड़काव करिए, तो ये जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जी सर, लर्नर्स हम बात कर रहे हैं क्रॉप प्रोटेक्शन इन वेजिटेबल क्रॉप्स, और हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। COVID-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या, लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांवों से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई विद्या पर TV, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्यावाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें मुंह और नाक को ढकना ना भूलें, भीड़भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075-011-2397-8046। ईमेल करें ncov2019@gov.in। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और
बनिए प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बात कोई मन चाहा केंद्र चुने हम अपना जीवन स्वयं बने हम अपना ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं क्रॉप प्रोटेक्शन इन वेजिटेबल क्रॉप्स और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर मयंक कुमार राय प्रोफेसर इन हेड कृषि विज्ञान के गौतम बुद्ध नगर। सर आपका पुनः स्वागत है स्टूडियो में। और ब्रेक में जाने से पहले लर्नर्स हम चर्चा कर रहे थे कि IPM की वो कौन कौन सी विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम अपने जो सब्जियों हैं उनका प्लांट प्रोटेक्शन उनकी कर सकते हैं। तो उसमें हमने बात की थी कल्चरल टेक्निक्स के बारे में, बायोलॉजिकल, और फिर अंत में हमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है। तो सर हम कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में डिटेल में जान रहे थे कि हमें उसमें क्रॉप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है, मल्च का इस्तेमाल करना है, ट्रैप क्रॉप्स का इस्तेमाल करना है, तो इसके बारे में आप और ऐड करना चाहेंगे? जी मैं बताता हूँ। जैसे कम्बिनेशन होता है जो अगर हम जिसे मुख्य फसल है जिसमें बहुत ज़्यादा कोई अगर कीड़ा प्रभावी है, बहुत ज़्यादा नुकसान अगर पहुँचा रहा है, जैसे कैबेज है, पत्ता गोभी है, उसमें एक हीरक पतंगा डायमंड बैक मॉथ जिसको बोलते हैं वो कीड़ा काफ़ी जो है मतलब नुकसान पहुंचाता है, तो अगर हम कैबेज के साथ उसी सीजन में कैरेट लगा दें तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। उसी तरह से ब्रोकली है, ब्रोकली में फ्लिया बीटल बहुत लगता है, उसको अगर हम फेवाबीन उसके साथ बो दें और रूट इसमें फ्लाई लगती है जिसे कैबेज में, तो उसके साथ हम अगर हम फ्रेंच बीन जहाँ जिसकी समस्या हो अगर हम फ्रेंच बीन साथ में बो दें उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। हीरक पतंगा के साथ ही अगर टोमेटो और मस्टर्ड भी बो दें कैबेज में हीरक पतंगा के लिए अगर कंट्रोल करने के लिए, तो टोमेटो मस्टर्ड बो देंगे तो उसका कंट्रोल हो सकता है। सूट एंड फ्रूट बोरर अगर ब्रिंजल में बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उसके लिए जो है हमको कोरिएंडर, जैसे हमने बताया पहले भी बताया था कि कोरिएंडर धनिया का प्रयोग करिए, सौंफ का प्रयोग करिए, सौंफ उसमें बो सकते हैं। और फ्रूट फ्लाई अगर बीटर गार्ड में ज़्यादा लग रहा हो तो आप उसके साथ मेज बो सकते हैं। मतलब जहाँ जिस क्षेत्र में जिस चीज़ की समस्या है उसका अब हमको प्रयोग करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर हम जैसे टारगेट पेस्ट हमारा है, जैसे ओकरा में सूट एंड फ्रूट बोरर है, टोमेटो में सूट एंड फ्रूट बोरर जो लगता है, उसके लिए अगर हम ट्राइकोग्रामा ब्रेसिलियंसिस है, एक जो है जैविक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कीड़ा होता है, उसके अंडे को हम प्रयोग करते हैं 250,000 अगर पास्चराइज एग जो है पैरासिटाइज एग्स अगर उसका कार्ड आता है अगर हम उसका प्रयोग करें तो मुझे लगता है कि वो अच्छा छोटा छोटा क्लिप बना करके पत्तियों के निचले हिस्से पे उसको हम स्टेपल कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो है कीड़ा एक तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओकरा एफिड है, कैबेज एफिड है, उसके लिए जो है क्राइसोपरला नाम का कीड़ा आता है उसका अगर हमको प्रयोग करें सॉरी तो वो जो है काफ़ी जो है मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है और जैविक नियंत्रण में काफ़ी प्रभावी होता है। टोमेटो फ्रूट बोरर है, अगर हम इसमें NPB एक वायरस होता है एक तरह का, तो HNPB होता है नॉन पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, अगर हम उसका प्रयोग करते हैं 250 लार्वल इक्विवेलेंट के हिसाब से तो वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। स्पोडोप्टेरा ल्यूटेरा लगता है वो इसके लिए भी जो है हम अगर उसके लिए अलग से NPB आता है जिसको कि SNPB बोलते हैं, उसका भी हमको 250 लार्वल इक्विवेलेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो हम कंट्रोल उसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैसिलस, जिसे बहुत सारे जो किसान अगर सुनते होंगे BT हर जगह जो है किसान गोष्ठी से लेकर के हर जगह बताया जाता है कि जो है BT का आप प्रयोग करो,
तो 500 ग्राम प्रति एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम बीटी का प्रयोग करते हैं तो इससे जो है हम डायमंड बैकमार्क जो हम इस हम कहते हैं कि जिसे हीरक पतंगा है, सूट एंड फूड बोरर ब्रिंजल का है, ओकरा का जो है ब्रिंज मतलब ओकरा में जो लगता है टोमेटो फूड बोरर है, उसके लिए हम बीटी का प्रयोग करें अगर उसको हम स्प्रे करें उसका, तो हम मुझे लगता है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ कैरियोमोन्स भी हैं उसका भी हमको प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है बहुत सारे जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जो हमको जो है इंसेक्ट पेस्ट जो वेजिटेबल्स हैं उसके लिए हमको प्रयोग करते हैं, आप देख सकते हैं जिनका जैसे ल्यूसिनॉट्स अर्बोनेलिस है टोमेटो में जो है लगता है प्लांट प्रोडक्ट्स उसका ओपियम जैसे ऑयल है उसका पोंगामिया का ऑयल बोलते हैं उसको, पोंगामिया का ऑयल अगर हम 2% के हिसाब से अगर हम उसको प्रयोग करें जिसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो कंटेक्ट होता है, जहाँ भी उसको टच करेगा वो जो है मर जाएगा एक तरह से कीड़ा। नीम का जो है बहुत सारा जो है मतलब केमिकल, नीम का जो केमिकल बनता है उसका क्या है कि एंटीफिडेंट उसका होता है, उस पर कीड़ा लगता नहीं है। अगर हम नीम का कहीं प्रयोग करते हैं, नीम के किसी भी प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं सब्जियों में, वहाँ कीड़े नहीं लगते हैं, उसको एंटीफिडेंट एक्शन होता है और जहाँ पर टच करेगा कीड़ा उसको उसका चूँकि टेस्ट अच्छा नहीं आता है इसलिए वो उसको खाता नहीं है। इसके साथ साथ वाइट फ्लाई के लिए नीमाइल का प्रयोग करते हैं, पायरस ब्रेसिकी एक मतलब उसमें है उसके लिए जो है अचूक नाम का एक जो है ट्रेड नेम से आता है उसको आप करें नीम आयल निम्बेसिडीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है बहुत सारे जो जैविक एक तरह से कारक हैं उस जैविक जो उत्पाद हैं उसको अलग अलग पेस्ट के लिए जो है अलग अलग समय पर हम आपको प्रयोग करने की उसमें मतलब एक तरह से रिकमेंडेशन करते हैं। पेस्ट जिसे एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि सपोज करिए कि आपके खेत में कोई कीड़ा लगा हुआ है, सब्जी के खेत में लगा हुआ है कीड़ा, तो अगर हम कोई रासायनिक दवा या किसी भी जैविक नियंत्रण की किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कीड़ा क्या इतनी मात्रा में लगा हुआ है कि जिसका हमको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, रासायनिक दवा हो या जैविक चीज़ों का प्रयोग करें, लेबर का खर्चा है, बहुत सारे समय का खर्चा है। तो अगर मान लीजिए बहुत कम संख्या में अगर कीड़े लगे हुए हैं या बहुत कम संख्या में बीमारी लगी हुई है तो उसको हम बोलते हैं वैज्ञानिकों की भाषा में इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। अगर एक संख्या से ज़्यादा जो है अगर लगे हुए हैं तब जाकर के ही हम उसको कंट्रोल करने के लिए कोई रासायनिक दवा या किसी भी तरह का कोई हम मेथड अपनाना चाहिए। जैसे हम कैबेज में पत्ता गोभी में कहते हैं कि अगर 10 लार्वा जो है एक पौधे पर अगर लगा हुआ है या उससे ज़्यादा लगा हुआ है तब जाकर के हमको किसी भी रासायनिक या उससे कम अगर लगा हुआ है तो उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। तो अलग अलग जो है फसलवार सब्जी की फसलवार अलग अलग जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल उसका होता है, उसको हमको उस ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी सर, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अपनी आपकी जो खेत है उसके आप रेगुलर विजिट करें जी, और ये ध्यान देते रहें कि किसी में कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ रहा है, जैसे कि फ्रूट फ्लाई है, वाइट फ्लाई है, ये आते हैं तो शुरू में थोड़े ही दिखते हैं लेकिन कुछ समय में पूरे खेत में ये कब्जा कर लेते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसे कि येलो वेन मोज़ेक वायरस होता है आपके भिंडी में होता है, तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि जब एक दो ही पौधे में प्रॉब्लम होती है तब उसका नियंत्रण वहीं पर कर लें। और एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, उसमें मैं आपको बताऊं अपने लर्नर्स को कि कुछ रासायनिक दवाएं ऐसी हैं जो मतलब एक तरह से नेचुरल एनिमीज के लिए जो है जो हमारे लाभदायक जीव हैं, लाभदायक कीड़े हैं, लाभदायक मतलब जो फंगस हैं हमारे अगर खेतों में हैं उनके लिए जो है अगर रासायनिक दवाओं का भी प्रयोग करते हैं तो ऐसी रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें जो कि इन कीड़ों के लिए भी लाभदायक हों, इनको न मारते हों। ऐसा नहीं कि हम किसी ऐसे रासायनिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कि उसका रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन सिर्फ चूँकि जहरीली दवा है और कीड़े को मार देगी, तो ऐसा ना सोच करके कि हम उसको जो है प्रयोग कर लें कि चूँकि उसमें हमारा जो लाभदायक जीव है वो मर जाता है। तो हमेशा जो बहुत सारे ऐसे मतलब जो चीज़ें हैं जो हमारे जो है उसके लिए प्रयोग करते हैं, जैसे नीम है, सल्फर है, मतलब ये फोजलेन है, मतलब परमेथ्रीन है, डेल्टामेथ्रीन है, और आपका फेनविलरेट है जो रासायनिक दवाएँ, साइपरमेथ्रीन है, इनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सेफर हैं सब्जियों के काम में उसके लिए, और ये कीड़ों को नियंत्रित भी करते हैं और हमारे नेचुरल एनिमीज जो हमारे जो लाभदायक जीव हैं उनके लिए जो है काफ़ी सुरक्षित भी हैं जी। और कुछ बीटल्स भी आते हैं जैसे एपिलेक्ना बीटल कहते हैं, जिसमें वो काफ़ी मतलब एपिलेक्ना बीटल के लिए जैसे पहले हम इंडोसल्फान वगैरह यूज़ करते थे, तो अभी तो इंडोसल्फान पर बैन है लेकिन हम यूज़ करते थे तो वो काफ़ी मतलब उसके लिए वो रहता था जी। सर ये बहुत इम्पोर्टेंट जो आपने बात बताई कि बैन है पेस्टिसाइड, तो ये बात सर अगर किसी को जाननी है कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कौन सी बैंड है तो वो कहाँ से पता करें? हाँ, वो बहुत बढ़िया है,
आप डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन फरीदाबाद में है, तो उसके वेबसाइट पर जाकर के आप जो करंट लिस्ट है, जो कौन सी पेस्टिसाइड बैन है और कौन से पेस्टिसाइड या कौन सा केमिकल हमारे किस फसल के लिए इस समय रिकमेंडेड है, कौन सा सबसे सेफर है, नेचुरल एनिमीज के लिए कौन सा सेफर है, ये जो है ज़रूर आपको जानने की आवश्यकता है। और आप उसके वेबसाइट से जाकर के उसकी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिस्ट को आप देख लीजिए। भारत सरकार का जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में वो काम करते हैं लोग, उनके वेबसाइट पर आप जाकर के देख चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमने पहले भी एक बार हिंट किया था, जो बहुत सारी रासायनिक दवाओं का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें एक दिया होता है कि वेटिंग पीरियड क्या होता है, प्रतीक्षा अवधि क्या होती है। उस प्रतीक्षा अवधि का आवश्यक रूप से ध्यान आप रखिए। क्यों? प्रतीक्षा अवधि में क्या, अलग अलग फसलों के हिसाब से अलग अलग जो है, जैसे मान लीजिए साइपरमेथ्रिन अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो अगर हम उसको भिंडी में प्रयोग कर रहे हैं तो 3 दिन उसका प्रतीक्षा अवधि है, मतलब आज हमने स्प्रे किया तो कम से कम 3 दिन तक उस उत्पाद को नहीं खाने की आवश्यकता है। अगर हम उसी साइपरमेथ्रिन को पत्ता गोभी में यूज़ कर रहे हैं तो उसको कम से कम 7 दिन अवॉइड करना है। ब्रिंजल में अगर बैगन में हम उसको प्रयोग कर रहे हैं तो 3 दिन कम से कम उसको जो है उस बैगन को हमको उपभोग में तो नहीं। तो सर क्या इस पीरियड में रेजिड्यू इफेक्ट होते हैं? हाँ, रेजिड्यू इफेक्ट होते हैं और उस उत्पाद को खाने पे वही जहरीला काम करता है और कीड़े को तो मारने के बजाय जो व्यक्ति उपभोग करेगा उसके लिए भी वो काफ़ी नुकसानदायक होता है। जी। जैसे एक पहले कार्बारी लाता था, आजकल थोड़ा सा उसका कम उपयोग हो रहा है। उसका जो है जो वेटिंग प्रतीक्षा अवधि थी 25-25 दिन तक होती थी। जो जो व्यक्ति सब्जियों में उसका प्रयोग करता था वो गलत था और उसको जो है 25-30 दिन, अब टोटल सब्जियों की जो लाइफ है वो 60-65 दिन की होती ही है, 70 दिन की। तो अगर मान लीजिए हमने कार्बारिल का प्रयोग कर दिया तो वो काफ़ी जहरीला हो जाता है इस तरह की सब्जियों का। जो सबसे कम प्रतीक्षा अवधि वाला जैसे मेलाथियन है, काफ़ी सेफर है, 3 दिन से लेकर के 7 दिन में आप उसको प्रयोग कर अगर कर रहे हैं किसी फसल पर तो उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, आप कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। और इस तरह की जो है सर, अगर जैसे पेस्टिसाइड डली है वेजिटेबल्स में और हमने उसको खरीद ली क्योंकि हमें पता नहीं होता है, और क्या हम इनको अगर धो दे तो उससे ये पेस्टिसाइड के इफेक्ट कम होंगे? जी, सबसे अच्छा ये है कि आप जैसे जो भी सब्जी आजकल तो खासकर देखने में आ रहा है, जैसे सब्जियों को हम मार्केट से लाते हैं चाहे जो भी खरीद करके लाते हैं, तो कम से कम उसको धुल करके और उसको बढ़िया से दो, आप आजकल जिसे हम कोरोना पीरियड चला तो इसमें वैसे भी कहा जाता है कि कम से कम सब्जी को लाइए तो 2-3 दिन उसको वेट करिए और जब वो जो है आप बढ़िया से धुल करके और कम से कम कई बार उसको धुलें जिससे कि उसमें से जो डस्ट वगैरह वो भी निकल जाए और प्लस जो रासायनिक दवाएँ अगर कोई प्रयोग की गई होंगी उसका भी असर जो है, जो सब्जी किसान के खेत से और मंडी से रिटेलर और रिटेलर से जो है कंज्यूमर तक पहुँचने में कम से कम 2 दिन लग जाता है। और 1-2 दिन अगर और हम वेट कर लें तो मुझे लगता है कि उसका असर कम हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर सावधानी रखनी है तो आपको अच्छी तरीके से उसको 2-3 बार कम से कम बढ़िया से धुलना चाहिए। और आजकल धोने के लिए, फिर सब्जियों को भी धुलने के लिए बहुत सारे जो है सब्जी मतलब इसके लिए जो है फ्रेंडली एक तरह से कुछ उत्पाद बाज़ार में हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि सब्जियाँ साफ़ हो जाती हैं। और हमें हमेशा ये देखना है कि मतलब जो हमारे पास नोवेल पेस्टिसाइड्स हैं उनका प्रयोग करिए, जैसे नए नए जो रासायनिक दवाएं आ रही हैं जो कि काफ़ी सेफर हैं और बहुत कम मात्रा में प्रयोग की जाती हैं लेकिन वो कीड़ों के लिए काफ़ी असरदार हैं, कीड़े और बीमारी को रोकने के लिए उनका आपको प्रयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन वो भी अंतिम को जब कोई और चारा ना हो तब आपको जो है उसको प्रयोग करना। इसका सर कारण ये भी हो सकता है कि जो इंसेक्ट है उनका रेजिस्टेंस नहीं डेवलप है नई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से। हाँ, रेजिस्टेंस वो चूंकि नया केमिकल है, अभी नया केमिकल आ रहा है मान लीजिए, तो उसके प्रति अभी तक किसी तरह का रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुआ है, उसके प्रति अभी कीड़े समझ नहीं पाए हैं कि इससे हमको कैसे बचना है, तो ये जो है काफ़ी मतलब। अब पहले क्या होता था कि हम देखते थे कि अगर सब एक हेक्टेयर अगर किसी फसल में हमको प्रयोग करना है तो 3-4 लीटर, 10 लीटर तक रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना होता था, लेकिन आजकल क्या है वो कि मिलीमीटर में हो गया है कि 250 मिलीमीटर एक हेक्टेयर के लिए यूज करना है मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर यूज़ करना है। तो इस तरह की सब काफ़ी सेफर दवाइयाँ आ गई हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है वो काफ़ी सेफर है, थायोमेथोसान है आपका जो है कह सकते हैं कि फाइनोप्रिल है और इंडक्सोकार्ब है, तो इस तरह की स्पाइनोसेड है, तो आप इनका प्रयोग करिए। और जो सब्जियों के लिए जो रिकमेंडेड है हर जो केमिकल होता है उस पर उसका डोज वगैरह सब लिखा हुआ होता है और किस फसल के लिए कितना उसकी प्रतीक्षा अवधि होती है वो लिखा होता है, किस एरिया के लिए वो रिकमेंडेड है ये लिखा होता है, तो आप उसको जो है उसी हिसाब से
आप प्रयोग करिए। बहुत सारे लिस्ट हैं, इमिमेक्टाविन बेंजोएट है, काफ़ी सेफर है ये भी, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको मतलब जो जो नोवेल इंसेक्टिसाइड्स हैं वो आप डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन के अगर वेबसाइट पे जाकर के देखेंगे तो सारी करंट लिस्ट आपको मिल जाएगी और हमारे आप उसमें भी देख सकते हैं। और सब्जी अनुसंधान संस्थान जो हैं, भारतीय सब्जी अनुसंधान बनारस में, उनकी भी वेबसाइट पर देखेंगे तो सभी चीज़ें रिकमेंडेड वहाँ पर लिखी हुई हैं, आप उसका भी उसी हिसाब से प्रयोग करना। सर, जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं हमारे फार्मर्स, तो उसके लिए सर क्या उसकी सही विधि है, उसको कब इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में भी बताइए। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो रिकमेंडेड हो उसका प्रयोग करिए, हमेशा शाम को प्रयोग करिए, और जब बादल ना हो, हवा ना चल रही हो, तब उतना प्रयोग करिए, और जितने जितने पानी की उसमें आवश्यकता है, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा केमिकल डाल लेते हैं, पानी उतना नहीं होता है जितना उसकी ज़रूरत है, या हम कम केमिकल यूज करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जितना डोज है उसका रिकमेंडेड है उसका उसी का हमको प्रयोग है। कौन सा नोजल हम प्रयोग कर रहे हैं स्प्रे करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है हम प्रयोग कर रहे हैं और कहीं बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, कहीं हमारा केमिकल गिर रहा है और कहीं जो है एकदम नहीं गिर रहा है, तो कहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, मतलब पौधे जल भी सकते हैं, और जहाँ नहीं गिरेगा वहाँ पर जो है आपका कोई असर ही नहीं होगा। तो ये जो हम स्प्रे करते हैं उसका वो भी किस नोजल से कर रहे हैं वो अपने हिसाब से देख लीजिए, हवा के विपरीत जो है आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, जब और हवा जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर चल रही हो तो आप उसको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे उस समय आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा जब धूप हो उस समय भी आपको नहीं करना है, जैसे बहुत सारे लोग गर्मियों में क्या करते हैं कि 10 बजे फोन स्प्रे कर देते हैं, तो इसको अवॉइड करना है हमेशा जो है गर्मियों में, खासकर 5 से 6 बजे के बीच में अगर आप स्प्रे कर रहे हैं या 5 बजे के बाद कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस तरीके से जो है आपको। और सर, इस्तेमाल के बाद जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का जो डिब्बा है उसको भी, कंटेनर को भी अच्छे से डिस्पोज करना है। हाँ, डिस्पोज कर दीजिए उसको, अंदर दबा दीजिए। तो अपने साथ साथ दूसरों के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है आपको। जब आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो अपने नाक मुँह को ढक के रखें, ग्लव्स पहने, जो भी प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स है वो पहने, और उसके बाद जो कंटेनर्स हैं उनका ध्यान रखें, उनको अच्छे से डिस्पोज ऑफ कर दें, उनको बच्चों से दूर रखें, तो और उनको ऐसा ना हो कि उन कंटेनर्स को आप कहीं पानी में डाल दें, क्योंकि इससे फिर पानी भी कंटेमिनेट होने का खतरा हो जाता है। तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आप इस्तेमाल करें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, बहुत ही सुरक्षित तरीके से करें और उसको सुरक्षित तरीके से डिस्पोज भी करें। जी सर। हाँ, इसके साथ साथ जैसे हम फ्रूट फ्लाई है कुकरबिट्स में जो है काफ़ी मतलब मात्रा में लग जाते हैं, तो इसमें नीम वगैरह का प्रयोग करिए, इसके लिए ट्रैप आता है उसका आपको प्रयोग करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो है मतलब जो मतलब आपका एक तरह से कह सकते हैं कि कल्चरल प्रैक्टिसेज आप अच्छी तरीके से अपना रहे हैं और क्लीन कल्टीवेशन अगर है आपके साथ तो आप उसका फ्रूट फ्लाई को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रूट फ्लाई का ट्रैप अगर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, ये जो है मतलब इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके लिए जो है नेचुरल एनिमीज हैं उसको बचाने की आवश्यकता है, चूँकि वो सेल्फ कंट्रोल करते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो है आपको हम कह सकते हैं कि नेचुरल एनिमीज जैसे ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर के लिए जो है आपको ब्रेकॉन है उसको जो है आप ले सकते हैं, लैब में अगर किसी रिसर्च संस्थान के आसपास अगर हैं, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र अगर आसपास है तो उनसे सलाह लेकर के आप ये आइडिया लगा सकते हैं या ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कीड़ा जो है, बहुत सारे जो लाभदायक कीड़े होते हैं हमारे खेत में दिखाई देते हैं लेकिन हम उनको ये मान करके कि ये हमारे फसल को नुकसान पहुंचा रहा है उसको भी हम एक तरह से रासायनिक दवाओं से मार देते हैं, ये जानने की ज़रूरत है कि आपके यहाँ कौन सा जो है कीड़ा लाभदायक है, कौन सा कीड़ा आपके लिए नुकसानदायक है, तो ये आपको मतलब आपके आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता है इसमें। इसके साथ साथ जो है आप जो ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर है जो इसमें जो एक तरह से बैगन में काफ़ी मतलब नुकसान पहुंचाता है उसके लिए प्लास्टिक जो है फनल ट्रैप यूज़ करना चाहिए। और जो इसके लिए अगर हम डैमेज सूट्स जो हैं उसकी क्लिपिंग कर दें चाहे उसको निकाल दें तो वो ज़्यादा मतलब एक तरह से वो है। और नीम बेस्ड जो केमिकल है, नीम बेस्ड जो भी केमिकल जो उसको कर्नल एक्सट्रैक्ट बोलते हैं उसको 4% का घोल बना करके अगर हम स्प्रे करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि हमको लगता है कि 60 से 65% तक जो है हम रिड्यूस उसको कर सकते हैं उसका इन्फेस्टेशन। तो इस तरीके से जो है रेनेक्सापार है वो काफ़ी सेफर है इसके लिए, उसका आप हम प्रयोग करें 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से जो है इसको प्रयोग करने की आवश्यकता है। और फेरोमोन ट्रैप को अगर हम इंस्टॉल कर देते हैं अगर जिस दिन बुआई हुई है, जिस दिन हमने लगाया हुआ है ब्रिंजल उसके 25 से 30 दिन के बाद, तो ये काफ़ी मात्रा में जो है कीड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है फेरोमोन ट्रैप।
तो ये जो है इस तरीके से जो है हमको करने की आवश्यकता है। और तो सर ये अलग अलग डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट के लिए अलग अलग IPM टेक्नोलॉजी है। IPM टेक्नोलॉजी इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक चीज़ और ध्यान रखने की जरूरत है हमारे लर्नर्स को कि अभी हम जिसे नेट हाउस बना लेते हैं जी। तो नेट हाउस में क्या होता है कि बाहर अगर हम साफ सफाई करके पहले से ही अगर हमने उसमें साफ अच्छी तरीके से पौध को लगा दिया और हमने पौध जो है कंट्रोल कंडीशन में आजकल कोकोपीट से जो है किसान बहुत सारे किसान जो है उसमें पौध का उत्पादन करते हैं और स्वच्छ अगर पौधा हमारे पास है और उसको अगर हमने लगा दिया और नेट लगा दिया तो बाहर से जो है किसी भी तरह के कीड़े और बीमारियों का उसमें प्रकोप नहीं होता है, बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन किसान को मैं यह हमारे जो लर्नर्स हैं या किसान को उनको मैं ये सलाह देता हूँ कि बहुत हाई मतलब बहुत ज़्यादा महंगे चीज़ों का प्रयोग आप ना करिए जिससे कि आपका आपकी लागत बढ़े, जिससे हमारे चूँकि आपको अपनी आय भी बढ़ानी है तो पॉली हाउस वगैरह जब तक पूरी तरह से ट्रेंड ना हो तब तक पॉली हाउस ना लगाएं। पॉली हाउस में खेती कैसे की जाती है जब तक आपको पूरी तरह से ज्ञान ना हो जाए तब तक आप ना करिए। लेकिन सेड नेट हाउस होता है जो ग्रीन ग्रीन कलर का आपने नेट देखा होगा उसका प्रयोग करके सब्जियों को आप सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हम मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, इस तरह के अगर नेट हमारे पास ग्रीन कलर के उपलब्ध हो जाएँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी मात्रा में आप जो है कीड़ों से और बीमारियों से आप बच सकते हैं। चूँकि क्या होता है कि एक कीड़े से जो है वो कीड़ा ही अगर खेत में रोगग्रस्त कीड़ा अगर कहीं से कुछ लेके आ रहा है किसी तरह का अगर बीमारी फैला रहा है वही एक पौधे से जो है हजारों पौधे लाखों पौधे में फैल जाता है। तो अगर बाहर से अगर उसको हम ढके रहते हैं सब्जियों को तो मुझे लगता है कि आप कंट्रोल इसको कर सकते हैं जी। और सर जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब हम IPM का पिरामिड देख रहे थे तो कल्चरल प्रैक्टिसेस सबसे पहले जी, आती हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि रेसिस्टेंट वेराइटीज़ का इस्तेमाल करना, इंटरक्रॉपिंग करना, क्रॉप रोटेशन करना, ट्रैप क्रॉप लगाना, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दें। अलग अलग जो इंटरक्रॉपिंग की बात हो रही थी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है मतलब जो हमेशा यह देखना चाहिए कि मतलब जो मेन अभी इस समय जो कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं जो आपको आइडेंटिफाई करना है आपके इलाके में कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम किस चीज़ की हो रही है, उससे हमको बचत कैसे होनी है। स्पेसिफिक अगर आप स्पेशलाइज अगर आपने आपको कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो आप अपने को सेफ कर सकते हैं। और जैसे आप कह सकते हैं कि टोमेटो फ्रूट बोरर है ये काफ़ी मतलब जैसे कर्नाटक 50 से 60% तक नुकसान पहुँचा देता है ये, तो ये आपके प्रबंधन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों का किस तरीके से प्रबंधन कर रहे हैं। और वहाँ के जो विद्वान अगर कोई व्यक्ति है जो उसमें अनुभवी व्यक्ति है उसको जो है आप लीजिए NPB का प्रयोग करिए, बैसिलस थुरिंजेंसिस BT का प्रयोग करिए, उसके साथ ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करिए, ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करिए। लेकिन जब आपको इसका आइडिया होगा तो उस तभी जब आप इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, जब आपको जो है इस अच्छी क्वालिटी का मिले तभी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और टोमेटो में भी जैसे मतलब मारीगोल्ड है, आप जिसे आपके मान लीजिए सपोज करिए कि टोमेटो में फ्रूट बोरर अगर लग रहा है तो आपने उसमें गेंदे की खेती कर दिया, अगर दो बहुत सारे टमाटर को आपने बोया हुआ है साथ में अगर आपने गेंदे को अगर बीच में लगा दिया तो गेंदा जो मेन जो फ्रूट बोरर है वो गेंदे पर जो है एक तरह से मारीगोल्ड पर जो है वो अटैक कर जाता है और फिर वो आपकी जो मेन फसल है टमाटर की वो बच जाती है। इस तरीके से जो है आप जैसे ओकरा सूट एंड फ्रूट बोरर है इसमें भी जो है आप कारसेरा का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कारसेरा का अंडा है उसके साथ जो है आप उसमें कर सकते हैं, जैसी नीम है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। पेस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल्स अलग अलग होते हैं जो आप किसी भी व्यक्ति के साथ वैज्ञानिक के साथ आप उसको जो है सलाह करके जो है वो कर सकते हैं। कंक्लूजन हमारा यह है कि जो है जो पेस्ट मैनेजमेंट के जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसको अगर हमको पहले से जानकारी है और जिन फसलों को हम फसल चक्र के अनुसार अगर हम प्रयोग कर रहे हैं और उसमें जो है हमें आइडिया है पहले से कि समस्या क्या आने वाली है और इसका समाधान क्या है और हमारे पास उचित एक्सपर्ट कौन है, नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कौन सी प्रजाति हम कहाँ से हमको लेना है, कौन सी प्रजाति अच्छी है हमारे लिए, इन सब चीज़ों की अगर हमें आइडिया है और प्लस आपका खुद का अनुभव अगर यह है कि मतलब इस तरह की समस्याएं आती हैं तो हमें जो है इस पे कंट्रोल हम कर सकते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं सभी लोगों को लर्नर्स को यही बताऊंगा कि आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अपने खर्चे को जब कम करेंगे, जिसमें कि खर्चा कम से कम होगा जब रासायनिक दवाओं का आप कम से कम प्रयोग करेंगे और उसके जो अल्टरनेट मेथड्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर आप अपनाएँगे तो जा करके आपको
आपकी खेती भी लाभदायक होगी। और हमेशा यह ध्यान रखिए कि पर यूनिट एरिया में या प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो है, जब ज़्यादा आप उत्पादन लेंगे तभी जाकर के आपको लाभ मिलने वाला है। जी इस सर, तरीके से आपके लर्नर्स के लिए हमारा आज का संदेश है। जी सर, बहुत अच्छा संदेश है और आशा है कि लर्नर्स को यह संदेश मिला होगा और वो इस पे आगे काम भी करेंगे। और डॉक्टर मयंक कुमार राय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए और हमारी जो चर्चा है उस पे आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी। तो लर्नर्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने चर्चा की क्रॉप प्रोटेक्शन इन वेजिटेबल क्रॉप्स पे और हमें आशा है कि आज की जो जानकारी है आपको लाभदायक लगी होगी। तब तक धन्यवाद। COVID-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांवों से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हां, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई विद्या पर TV, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्या वाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें मुंह और नाक को ढकना ना भूलें, भीड़भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075-011-2397-8046। ईमेल करें ncov2019@gov.in।